चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में मालडा इंडियंस ने कंप्यूटर पैलेस को हराकर खिताब पर कब्जा जमाया। यही तय किया है कि अपोनेंट टीम को कम से कम स्कोर पर रोक कर उसके बाद आराम से चेस किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप अपने रणनीति को बताएं। सबसे पहले इस गावा प्रीमियर लीग को, गावा चैंपियंस ट्रॉफी, सॉरी गावा चैंपियन ट्रॉफी को सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि इस टूर्नामेंट में हम लोगों को दो प्रखंडों का खिलाड़ियों का मौका मिला। इसलिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं इस गावा चैंपियन ट्रॉफी के जितने भी मेंबर्स हैं और धन्यवाद के भी पात्र हैं। और हम लोगों को एक अच्छा खेल भावना से खेलना है और आज का मैच में अगर हम टॉस जीतते हैं तो सबसे पहले हम बल्लेबाजी ही करते हैं, क्योंकि हमको सबसे फाइनल का मैच है, फाइनल एक अलग ही है। तो हम चाहेंगे कि एक अच्छा स्कोर खड़ा करके हमारे गेंदबाजों को प्रेशर ना मिले और अपने अच्छी बॉलिंग करके मैच को जीते। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। खेल मैदान में आयोजित गावा चैंपियंस ट्रॉफी सीजन 2 के फाइनल मुकाबले के साथ इस टूर्नामेंट का समापन हो गया। फाइनल मुकाबले में मालडा इंडियंस की टीम ने टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी करते हुए 96 रन का सम्मानजनक स्कोर खड़ा किया। जिस तरह से आप लोग खेले बहुत अच्छा खेले, हम चाहेंगे कि आप लोग का प्रयास जारी रहे, फिर खेला हो उसमें हम चाहेंगे कि कंप्यूटर पहले से भी नंबर 1 में आवे। अध्यक्ष और सचिव, अध्यक्ष हमारे चंदन सिंह और सचिव संदीप बर्नवाल और तमाम जितने भी हमारे आयोजक थे सभी को तहे दिल से नमन और धन्यवाद के पात्र हैं आप। और इसी के साथ इसी तरह गावा मैदान को भविष्य देखते हुए आप लोग गिरिडीह तक जरूर खेले। धन्यवाद। रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी कंप्यूटर पैलेस की टीम की शुरुआत काफी खराब रही। उसके दो सलामी बल्लेबाज बहुत जल्दी पवेलियन लौट गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए पवन वेदर्दी और केएल लालू ने कुछ हद तक अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन अपनी टीम को जीत दिला नहीं पाए और अंततः 54 रन पर सिमट कर रह गई। इस तरह से 42 रन से हार कर कंप्यूटर पैलेस की टीम उप विजेता बनी और मालडा इंडियंस की टीम का खिताब पर कब्जा हो गया। सदस्य पवन चौधरी एवं विनर टीम को गावा थाना प्रभारी पिंटू कुमार एवं गावा मुखिया कन्हैराम के द्वारा कप देकर सम्मानित किया।